आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में NSUI छात्र संगठन ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। NSUI ने सरकार को भैंस बनाकर उसके आगे बीन बजाने का काम किया। दरअसल यह अनोखा प्रदर्शन रीवा शहर के सिल्फी प्लाजा में किया गया, जहां NSUI ने महंगाई के विरोध में भैंस के आगे बीन बजाया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान NSUI के केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और सरकार की तुलना भैंस से की है। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आलोक मिश्रा ने कहा कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन केंद्र व प्रदेश में बैठी बीजेपी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे NSUI के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी आप ही ने कहा कि पिछले 8 महीने में पेट्रोल के दाम में 20 रुपए के लगभग की बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, पिछले 8 महीने में डीजल के दाम में 19 रुपए की बढ़ोतरी कर आम जन की महंगाई बनकर सरकार अंडानी और अंबानी को खुश कर रही है। साथ ही गैस पिछले 6 महीनों में 175 रुपए की बढ़ोतरी कर 853 पहुंच गई है, लेकिन देश को आज अडानी अंबानी के हाथों में सौंपा जा रहा है, जो देश की जनता को लूटने और ठगने का काम कर रहे हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर NSUI ने आज भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया है। NSUI ने विरोध जताते हुए मांग रखी है कि आज देश कोरोना काल के बाद आज विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा बहुत राहत की सांस जब लिया, तो आज जो देश की केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार, वो प्रदेश में बैठी बीजेपी सरकार जनता को लूटने व ठगने का काम कर रही है। आज पिछले 6 महीनों में गैस 175 रुपये बढ़ हो गई है, पिछले 8 महीनों में पेट्रोल 20 रुपये बढ़ गया है, पिछले 8 महीनों में डीजल 19 रुपये बढ़ गया है। आज रीवा में सबसे महंगा पेट्रोल है 99.54, मतलब 100 पहुंच गया है, पावर वाला 104 पहुंच गया है। तो प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल रीवा को मिलता है। आखिर यह गुनाह है, रीवा की जनता ने क्या किया है, मध्य प्रदेश की जनता ने क्या किया कि मध्य प्रदेश में आज सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम हैं। हम मांग करते हैं कि जो नींद में सोई हुई सरकार है उसको इस अनोखे विरोध के माध्यम से जगाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार आगे नहीं जागती है, NSUI देश भर में उसके हम मार्गदर्शन में उसके साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार को इसमें होश आना चाहिए। जनता आज किस संकट में है, तेल 1 लीटर डराव 100 रुपये का पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आज जनता को लूटने और ठगने का काम किया जा रहा है, उसका विरोध NSUI हमेशा करेगी। इस बीच उपस्थित हमारे युवा कांग्रेस के आलोक मिश्रा जी थे, ITCL के पदाधिकारी थे, युवा कांग्रेस के विधानसभा उपाध्यक्ष अनुज पांडे जी थे। मैं चाहता हूं कि हम सब जो भी युवा हैं, जनता इसका विरोध करे, आगे इसकी लड़ाई लड़े, तभी यह महंगाई से हम पार पा सकते हैं।